₹400 की सब्जी खरीद के लाए थे और ये आज ₹400 की मछली खरीद के लाए। ये दो बड़े बड़े पॉलिथीन और ये 5 kg से ज़्यादा है क्योंकि हमारे पास 5 kg का पानी वाला बॉटल है और उससे हमने इसको मेज़र करके देखा ये 5 kg से ज़्यादा है। और जस्ट लुक एट दिस, जो ₹400 में हम लोग सब्जी लेके आए ना उससे तो क्या ही प्रोटीन मिलेगा आपको, प्रोटीन तो नहीं मिलना है उससे, लेकिन इससे जो प्रोटीन मिलेगा ना आपको, दिस इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन यू कैन गेट। लुक एट दिस, अब इसको क्लीन करके अलग अलग पैकेट में सेपरेट करके डीप फ्रीजर में डाल देंगे ताकि ये अच्छे से रहे। और इसकी खासियत क्या है ना इस फिश की, पता नहीं ये सी वाटर फिश है इसीलिए कि आप इसको फ्रीजर से भी जब भी निकालिएगा, इवन आफ्टर 5 days, 6 days, 6 days भी आप इसको निकालिएगा ना, इट विल बी फ्रेश लाइक दिस। मैं आपको निकाल के भी दिखा दूंगी आज से कुछ दिनों के बाद, बना के फ्रीजर से निकाल करके, इट विल बी फ्रेश लाइक दिस। ये ऐसे ही फ्रेश होगा, ऐसे ही हार्ड होगा। ये देखिए कितना हार्ड है, फिश जब खराब हो जाता है ना तो उसकी पहचान होती है कि वो थोड़ा एकदम से दबने लगेगा, ये देखिए। लेकिन ये कितना हार्ड है आप देख रहे हैं, और जब आप इसको निकाल के 6 दिन 7 दिन बाद भी निकाल के बनाइएगा तो ये बिल्कुल ऐसा ही होगा, कट करने में वैसे ही ब्लड निकलेगा। जो फ्रेश वाटर फिश होती है जैसे रोहू वगैरह आप फ्रीजर में रख के बना रहे हैं तो वो ख़राब हो जाती है, इसलिए लोग उसको प्रेफर करते हैं कि ताज़ा आए मछली और ताज़ा बने, लोग बर्फ़ वाली मछली नहीं खाना चाहते हैं। और ये जो हमने फिश खरीदी है ये हमने जस्ट वो लोग फिशिंग करके आए थे, बिल्कुल फ्रेश है ये, कोई भी बर्फ़ वगैरह में डाल के नहीं रखा गया था इसको। ये देखिए अभी भी ताज़ा ताज़ा है, और ये जब फ्रिज से निकल के भी बनेगा आज से 1 week के बाद भी तो भी ये ऐसे ही फ्रेश होगा। हाँ, इसको क्या करना है ना कि सेपरेट सेपरेट जितना भी आप एक बार में बनाते हैं उतनी ही फिश को एक एक पैकेट में रखना है, ताकि सारी फिश को एक बार निकाल के आप थॉ नहीं कीजिए, क्योंकि बार बार फ्रीज और थॉ नहीं करना है आपको। एक पैकेट निकालिए, बनाइए, बाकी सारी फिशेज जो हैं आपकी फ्रीजर में रहेंगी। तो जनरली हम लोग बांगड़ा खरीदते हैं, ये सारी फिश बांगड़ा फिश है ये देखिए, लेकिन ये आज उन्होंने हमें बोनस में एक डिफरेंट फिश दी है, हमें नहीं पता ये कौन सी है, सर्च करके देखेंगे। आपको पता होगा तो कमेंट में बताइएगा, काफ़ी खूबसूरत मछली है और इसका साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाता है, ये छोटी मछली है। Thank you.